राजधानी दिल्ली में इस वक्त पानी की किल्लत नजर आ रही है। जगह जगह पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उनका आरोप है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है। लगातार बीजेपी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर ये प्रदर्शन चल रहा है। मोतीबाग सराय रोहिल्ला के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और खुद बीजेपी से चांदनी चौक के सांसद मौजूद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी। ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है लेकिन समाधान नहीं नजर आ रहा है। अब ये हालात हो गए हैं कि जो वीआईपी लोकेशन होते हैं लुटियंस एरिया, वहां लोगों के घर पानी नहीं पहुंच रहा है। देखिए, केजरीवाल की असफलता का स्वाद लुटियंस जोन के लोगों को भी चखना चाहिए। खाली झुग्गी झोंपड़ी के लोग ही क्यों उसको कहें। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं, पानी की यह समस्या कोई नई नहीं है। पिछले 10 सालों से जब से केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बनकर के आए हैं, हर साल गर्मियों में ये समस्या उठती है। मेरा सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने इस समस्या के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या कदम उठाया, जनता को बताएं। वो उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। केजरीवाल सरकार का एक ही मैंडेट है कि आरोप लगाएं। आज जल के लिए आरोप लगा रहे हैं, कल किसी दूसरी चीज के लिए आरोप लगाते हैं। उनका पूरी राजनीति आरोप पर टिकी हुई है। तो आरोप लगते रहे लेकिन दिल्ली की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरसती रहे, केजरीवाल सरकार की यही नीति है। और कहीं ना कहीं अपना नैतिक दायित्व तो मानते हुए मुझे लगता है केजरीवाल सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, ये साजिश के तहत हो रहा है ऐसा आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है। कई जगह लीकेज है, पेट्रोलिंग भी दूसरी तरफ की जा रही है, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब। हम भी यही कह रहे हैं कि ये साजिश है, ये आम आदमी पार्टी की साजिश है। अपने टैंकर माफिया के दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए पानी की किल्लत को पैदा किया जाता है। वहीं दूसरी ओर बार बार हमने कहा कि जो पानी की पाइपलाइन की लीकेज है, उस लीकेज को आप रोकिए ना। ना आप लीकेज रोकते हैं, ना आप टैंकर माफिया से दोस्ती छोड़ते हैं। तो ऐसे में दिल्ली जब पानी नहीं मिलेगा तो दिल्ली की जनता को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। मॉनसून का सीजन सर शुरू होने वाला है, ऐसे में हम देख रहे हैं पिछले साल दिल्ली की तस्वीर कैसी थी, दिल्ली डूब रही थी। अब अगर इस बार वही सिचुएशन होगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि अब हरियाणा सरकार फिर पानी छोड़ना शुरू कर देगी, फिर पानी पानी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो आरोप लगा रहा, अब वो अगली समस्या के लिए अपने आरोप अभी से तैयार कर रहे हैं कि अब पानी दे नहीं रहे। अगली बार जब दिल्ली में बाढ़ आएगी और केजरीवाल उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तक अब जब मानसून आने वाला है, जरा बताएं कि दिल्ली की मंत्री या दिल्ली के लोग किरकिरों ने जहां से बाढ़ आने की संभावना है, क्या उस क्षेत्र का जायजा लिया? क्या नहीं लिया? क्योंकि वो समस्या पैदा करते हैं और फिर आरोप लगाते हैं। केजरीवाल की राजनीति का पूरा आधार केवल आरोपों में है, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि दिल्ली की जनता को बाढ़ खा जाए या पानी की कमी से दिल्ली के लोग। वर्तमान में लेकिन जो स्थिति है इस वक्त, आम जनता ही इससे परेशान है, इसका कोई समाधान निकलेगा कि नहीं? देखिए, समाधान कौन निकालेगा? समाधान तो दिल्ली सरकार को निकालना होगा। दिल्ली की सत्ता पर वो लोग काबिज हैं। हम तो केवल उनको रास्ता बता, हमने बताया कि आप दो ही काम कर लो, टैंकर माफिया से दोस्ती छोड़ दो और पानी की पाइपलाइन की जो लीकेज है उसको आप ठीक कर लो। पिछली बार जब आतिशी ने आंकड़े दिए थे तो उसमें बताया था 939 गैलन पानी लगभग दिल्ली में उत्पादन होता है। अगर 939 एमजीडी पानी भी होता है तो आंकड़े उठा करके देखे, 939 एमजीडी से भी दिल्ली की समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन समाधान कौन करेगा? जब समाधान करने वाला ही आंख बंद करके सो जाए, एक तिहाड़ जेल में जाकर के बैठ जाए, तो क्या होगा दिल्ली में? ऐसे हालात। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं लगातार बीजेपी सड़कों पर है, प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं हाथों में बैनर पोस्टर लिए केजरीवाल सरकार ने दी छूट, टैंकर माफिया दिल्ली को कर रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीर की लूटा जा रहा है टैंकर माफियों के द्वारा। तो आप देख सकते हैं लगातार दिल्ली सरकार जो है वो हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है पानी ना देने की। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये साजिश के तहत हो रहा है। वहीं जल मंत्री आतिशी का कहना है कि ऐसा साजिश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वाले इस वक्त पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ झुग्गी झोपड़ियों में इस वक्त टैंकर पहुंचे थे, लेकिन अब कल से ये तस्वीर देखी जा रही है कि लुटियंस के इलाके में भी पानी की किल्लत हो रही है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ भामरा किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।